सुनील जी पहले आपके दारे दिखा देता हूँ भैंस की, दार पांव से आने की। दार पांव दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों बिल्कुल ताजा ब्याई जोटी की आपको वीडियो के अंदर अच्छी तरह दार पांव से चेक कराकर दिखाता हूँ, क्योंकि बिल्कुल ताजा ब्याई जोटी है दोस्तों, और इसकी दार पांव से आपको वीडियो के अंदर कवर करके दिखाता हूँ, जिससे आप थनों की अच्छी तरह जांच कर सकें कि थनों में कोई भूर छिट्टा या कोई फोल्ड है कि नहीं, कैसी चुवाई की जोटी है, ये भी आपको वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह कवर करके दिखा रहे हैं। तो पहले जोटी को पसमाया जा रहा है दोस्तों, तो चारों थनों की दिखा देना भाई साहब। तो चारों थनों की दोस्तों आपको धार चेक करा कर दिखाता हूँ, जोटी की पूरी डिटेल भी भाई साहब से लूंगा, तो सभी भाई वीडियो को एंड तक पूरा देखें, जोटी की पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर दी जाएगी जी भाई साहब। तो सबसे पहले दोस्तों जोटी का आपको चारों थनों का पसमाव दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं चारों थनों के बीच में गैप और बिल्कुल टाइट पसमाव भी देख सकते हैं, वो भी बहुत शानदार है। पूरा मुट्ठी वाला अंचल है, बहुत ही शानदार पसमाव जोटी ने किया दोस्तों, धार मांग रही है। सबसे पहले आगे वाले दोनों थनों की, तो सबसे पहले आगे वाले दोनों थनों की दोस्तों आपको धार दिखाई जा रही है, खीस के अंदर है अभी, और जोटी के अगले थनों थनों की धार देख सकते हैं, बिल्कुल नरम धार है, गोल मोटी नरम धार है, कोई भूर छिटा नहीं है। आप भाइयों के सामने दूध निकाल कर भाई साहब दिखा रहे हैं, सबसे पहले आगे वाले थनों की अच्छे तरह आपको वीडियो के अंदर कवर करके दिखाया जा रहा है, पिछलों की ओर मार दो जी बस। और ये दोनों पिछले थनों की अब ये धार देख सकते हैं, ये भी गोल मोटी नरम धार है, ये भी देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छी चुवाई की जोटी है दोस्तों, बिल्कुल नरम चुवाई की है। और हाथ में लेके एक बार दूध और दिखा दो, ये खीस है दोस्तों, खीस भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं पीला खीस देख सकते हैं, और पूरी डिटेल भाई साहब से लेते हैं जोटी की। राम राम भाई साहब। राम राम संदीप भाई, राम राम वीडियो देखने वाले भाइयों को भी राम राम। तो भाई साहब सबसे पहले अपना शुभ नाम और प्रॉपर यहाँ का एड्रेस बता दें जी। शुभ नाम है जी मेरा प्रदीप चौधरी, एड्रेस है श्री गंगानगर स्टेट राजस्थान जी, और रेलवे स्टेशन और फर्स्ट स्टैंड से मात्र अपना 2-2.5 किलोमीटर पर अपना फार्म है जी, जिसे कहते हैं कोका कोला फैक्ट्री, मोन पर रोड के ऊपर फार्म है जी जी, बाम्बू फार्म हाउस जी, कवर रोड के ऊपर बोर्ड लगाया जी संदीप जी, ठीक है जी। और कोई भाई आए तो अपने प्रदीप चौधरी के नाम से लोकेशन निकाले तो गूगल पे आ जाती है जी। अच्छा, कोई भी भाई जैसे अपना व्हीकल लेके आ रहा है तो प्रदीप चौधरी डेयरी फार्म के नाम से गूगल मैप पर लोकेशन भी मार सकते हैं, तो अपनी फार्म की करंट लोकेशन आ जाएगी, ठीक है जी। तो भाई साहब ने पूरा प्रॉपर एड्रेस बता दिया है, जिला है जो श्री गंगानगर है, राजस्थान का एरिया है, श्री गंगानगर जिले के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से 2-2.5 किलोमीटर दूर डेयरी फार्म है। तो भाई साहब अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताना जी, 9462-66528। तो ये नंबर व्यूवर्स आपको नीचे स्क्रीन पर भी मेंशन होंगे। तो आज की वीडियो में भाई साहब कितनी भैंस दिखा रहे हो? एक जोटी दिखा रहे हो जो सेल के लिए अवेलेबल है, ठीक है जी। तो 20 की 20 ये पर दिखा एक ही रहे जी जी, तो एक जोटी है भाई साहब दिखा रहे हैं, उसकी डिटेल लेंगे तो अपने पास कस्टमर आए उनसे भी संदीप जी आपकी बात करवाता हूँ, थोड़ा परिचय करा देता हूँ जी। बुलाना जी भैया आना। राम राम भाई साहब। राम राम जी। राम तो भाई साहब सबसे पहले अपना शुभ नाम और प्रॉपर एड्रेस बताना जी, कहाँ से आए हो आप? से आए भरतपुर से, राजस्थान से। राजस्थान। तो भाई साहब से संपर्क कैसे हुआ था जी? यूट्यूब के माध्यम से हुआ। तो कब आए थे भाई साहब? कल आए थे। तो कल आए थे आप, कितनी भैंस परचेज करी है यहाँ से? एक भैंस तो भाई साहब के फार्म से ली है। अच्छा जी। एक इन्होंने बाहर से दिलाई। एक भैंस बाहर से दिलवाई है और एक इनके डेयरी फार्म से रखी है। तो आज का अभी जो अपने वीडियो बना रहे हैं, टाइम और डेट बताना जी आपके मोबाइल से, आज का टाइम और डेट। भाई साहब टाइम हो रहा है 4:39। 4:39 जी। और डेट? हाँ जी। कितना डेट क्या जी? 10 तारीख है। 10 अक्टूबर है जी। तो व्यूअर्स आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आपके सामने है, 4:39 हो चुकी है, 10 अक्टूबर 2023 को वीडियो बना रहे हैं शाम के समय में। तो भाई साहब जैसे आपने एक भैंस बाहर से रखी है और इनकी डेयरी फार्म से रखी है, दूध निकाल कर देखा है जी? हाँ जी, एक टाइम दूध निकाल कर देखा है। अच्छा जी, अभी एक टाइम और देखेंगे जी, यानी कि फाइनल हो चुकी है कि होने वाली है? अभी फाइनल हो चुकी है। फाइनल हो चुकी है। एक टाइम और मैं दिखा दूंगा, सुबह और दिखला दूंगा। अच्छा जी।
तो भाई साहब किस किस रेंज की आपने भैंस रखी है? एक एक लाख रुपए में दो भैंस रखी है। तो जैसे बार फील्ड में भी घुमाया है, इनकी डेयरी फार्म पर कितनी की भैंस है जी सेल के लिए? डेयरी फार्म पर काफी भैंस है, 20-25 भैंस है। 20 भैंसे हैं यानी कि। तो जैसे YouTube के माध्यम से आप आए हो, जैसा YouTube पर दिखाया गया वैसा यहाँ पर आने के बाद देखने को मिला जी? नहीं मिला, भैंस भाई साहब के लिए काफी हैं और जंगल में भी खूब घूमे हैं, बहुत लोगों के पास में लेके गए। अच्छा जी, तो बाहर से कितने की भैंस आपने घूम कर देखी आईडिया से? हम लगभग 10 जगह है, कम से कम 10 जगह है। हाँ जी। और भैंस कितने की होगी? भैंस तो देखे होंगे हर जगह 10-15-20 तो भैंस है ही, यानी कि 200 के करीब आपने भैंसें देखी है। उनमें से आपने एक भैंस बाहर से सिलेक्ट करी है और एक यहाँ से सिलेक्ट करी है, तो व्यवहार कैसा रहा जी? भाई साहब का बढ़िया व्यवहार है, गाड़ी में बिठा के घुमाए आए। जी जी। और जैसा जैसे बाहर फील्ड में आपको भैंस दिलाई है, जो रेट आपने बोला उसी रेट में दिलाई है, कोई अपने मन से बढ़ा चढ़ा कर ऐसा तो सौदा नहीं हुआ? नहीं ऐसा, हमारी रजामंदी से सौदा हुआ। रजामंदी से हुआ। कोई भी भाई जैसे और आना चाहता है और अपने वहाँ का प्रॉपर कौन से गांव से आए हो, प्रॉपर पूरा एड्रेस बताना, जो भाई भरतपुर से वीडियो देख रहे हैं। गांव हिंडोला है नाम जी, तहसील जिला भरतपुर। गांव है जो हिंडोला जी, तहसील और जिला है जो दोनों ही भरतपुर है। जो भाई भरतपुर से वीडियो देख रहे हैं वो समझ चुके होंगे। हाँ, भरतपुर से नजदीक ही पड़ता है। जी जी, आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो भाई, संतुष्ट हो व्यवहार से? संतुष्ट हो। कोई भी भाई और भी भैंस लेने के लिए आना चाहते हैं तो कामकाज के बारे में क्या कहना चाहोगे जी? भाई साहब से संपर्क करें, अच्छा व्यवहार है इनका। जी जी, धन्यवाद भाई साहब। तो इससे आगे दोस्तों झोटी की आपको प्रॉपर पूरी डिटेल शेयर करता हूं, तो खोलना भाई साहब। तो ये झोटी आज की वीडियो में दोस्तों सेल के लिए अवेलेबल आपको दिखाई जा रही है। जी कोई नहीं, बच्चा बाहर एक बार चलाकर दिखा दो। तो जोटी को दोस्तों आपको खोलकर चलाकर दिखाता हूँ। पूरी काली कट जोटी है, प्योर मुर्रा ब्रीड के अंदर है। ब्रीड करेक्टर जोटी के देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रीक पतली चमड़ी की। हाइट लेंथ की बात करें वो भी काफी शानदार है। अडर क्वालिटी की बात करें वो भी आप भाइयों सामने है। शुरुआत में मैंने वीडियो के अंदर जोटी की चारों थनों की धार पांव हर एक चीज वीडियो के अंदर कवर करके दिखाई है दोस्तों। बाकी आप खुद यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। पूरी झोटी की डिटेल भाई साहब से लूंगा, तो सबसे पहले झोटी को आपको खोलकर चलाकर दिखाया जा रहा है। बच्चे करिए छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो बच्चे के लिए थोड़ा भाग दौड़ कर रही है। कोई नहीं, बच्चे पर कर दो। तो बिल्कुल ताजा ब्याई हुई है दोस्तों, पीछे से भी आप अडर क्वालिटी देख सकते हैं। जी अब रोक लो भाई साहब, रोक लो, दिखा दी अपने चलाकर। तो इस जोटी की भाई साहब पूरी डिटेल बता दो, शेयर कर दो। कौन से ब्यांत ब्यांत के अंदर है? दूसरे ब्यांत के अंदर है। कब की ब्याई हुई है जी? ये कल शाम की ब्याई है संदीप जी। आप सुबह इसको खाली कर दी, लगभग 1.5 किलो दूध छोड़ा था। बिल्कुल, मतलब 1 लीटर जैसा दूध छोड़ा था। कल शाम को ब्याई थी, यानी कल शाम को, यानी कि परसों शाम को मान सकते हैं। आज का वीडियो बना रहे हैं, अपने चौथे टाइम की वीडियो बना रहे हैं। तीसरे टाइम में 1 लीटर जैसा दूध छोड़ा, बाकी आपने खाली कर दी। कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों पीछे क्या है जी? कटड़ा है। तो पीछे मेल काफ कटड़ा है दोस्तों, कटड़े को इसने जन्म दिया है। और अडर क्वालिटी फिर से आपको करीब से दिखा देता हूँ। तो भाई साहब अभी कोई भी भाई जैसे खीस से खाली होने के बाद में अगर कोई भाई ऑनलाइन परचेज करता है या फिर खुद यहाँ पर आने के बाद में इसकी मिल्किंग चेक करना चाहे, तो कितने दूध की आइडिया से अब खीस से खाली होने के बाद मिल्किंग करा दोगी? अभी संदीप जी 13 और 14 के बीच में हो जाएगा जी। 13 लीटर की मिल्किंग करवा दोगे आप? आराम से करवा दूंगी। और जैसे मेले वगैरह छांटने के बाद में दूध प्रॉपर कितना बना देगी? दूध यही जी बना देगी जी, 9 किलो टाइम का दूध आराम से देगी। 18 किलो 18 किलो तक दूध बना देगी, आराम से दे देगी। 16+ आराम से दे देगी, कहने का मतलब ये है। खुला दे देगी संदीप जी, खुला, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाले? बिल्कुल जैसी, बिल्कुल ब्रीक पतली चमड़ी की है। तो बिल्कुल ब्रीक पतली चमड़ी की झोटी है दोस्तों, काफी अच्छी झोटी है। ले आओ बच्चे को, ले आओ भाई साहब अंदर ही ले आओ, बच्चे का ज्यादा करती है ना। तो दूसरे ब्यांत के अंदर बिल्कुल ताजा ब्याई हुई, रोक लो 1 मिनट, डिटेल बता ही दो इसकी। तो जैसे आपने बता दिया, और प्राइस भाई साहब लेने वाला?
1,15,000 रुपए के अंदर 500 किलोमीटर तक घर पहुंच प्राइज है। तो 1,15,000 रुपए दोस्तों इसका प्राइज भाई साहब ने डिमांड किया है। दारपांस मैंने आपको वीडियो के अंदर कवर करके दिखा दी। कोई भी भाई मिल्किंग चेक करना चाहे तो 13 से 13 लीटर की मिल्किंग चेक कर सकते हैं। 18 लीटर तक भाई साहब ने इसकी दूध क्षमता बताई है। बाकी जोटी भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छी।